बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू एप्टेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम जो है आईसीटी का जो हमारा पेपर है, सब्जेक्ट है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम सो फार जो है फिफ्थ क्वेश्चन इस वक्त करंटली हम डिस्कस कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमने कंप्यूटर डेफिनेशन पढ़ी थी कंप्यूटर की, और कंप्यूटर किस तरह काम करता है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। सेकंड हमने डिफाइन डेटा और इंफॉर्मेशन, डेटा किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। थर्ड हमने डिफरेंशिएट का क्वेश्चन पढ़ा था कि डेटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान में क्या फ़र्क होता है। चौथा हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एलिमेंट्स ऑफ आईटी के बारे में डिस्कस किया कि आईटी किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। पांचवा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो कंप्यूटर जो है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारे पास जो है वो हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है हिस्ट्री ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कंप्यूटर का है वो कुछ यूँ है, जो मैंने आपको कल भी कहा था, मैं सरसरी जस्ट ये ओवरव्यू कर लेता हूँ। 3 टाइम पीरियड्स के अंदर जो है वो कंप्यूटर की हिस्ट्री डिवाइड है। पहले टाइम पीरियड को कहा जाता है डार्क एजेस, जिसमें सारी डिवाइसेस थी वो मैनुअल डिवाइसेस थी। सेकेंड जो है वो मिडल एज है, जिसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस थी। और थर्ड हमारे पास मॉडर्न एज है, जिसके अंदर सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो है वो बनाई गई थी। डार्क एजिस के अंदर जो है वो जो पहली डिवाइस बनाई गई थी बॉकस के नाम से थी। 3000 BC के अंदर इसको बनाया गया था, चाइना के अंदर इसको डेवलप किया गया था, और ये दुनिया का पहला कैलकुलेटर या पहला कंप्यूटर इसको कहा जाता है। ठीक है, दुनिया का पहला कंप्यूटर इसको कहा जाता है। हालांकि ये कंप्यूटर नहीं था, मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहा था कि बट इट द फर्स्ट डिवाइस विच आर यूज फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, ये पहली डिवाइस थी जिसको यूज किया गया था कैलकुलेशन करने के लिए। फॉर दैट पर्पज दे हैव गिवन दिस नेम कंप्यूटर। फिर दूसरी डिवाइस नेपियर बॉन्स के नाम से बनी थी 1617 के अंदर। जॉन नेपियर जो है स्कॉटलैंड का रहने वाला था, उसने ये डिवाइस बनाई थी 1617 के अंदर। जिस साल उसकी डेथ हुई थी उसी साल उसने ये डिवाइस बनाई थी, जिस साल उसकी जो है मैंने आपको कहा कि जिस साल उस ये कल भी मैंने आपको बताया था जिस साल उसकी डेथ हुई थी उसी साल जो है उसने ये डिवाइस बनाई थी। और इसकी जो डिवाइस इसके अंदर क्या होते हैं, 11 रॉड्स होते हैं, उनके अंदर नंबर प्रिंटेड होते हैं, और इन रॉड्स को साइड बाय साइड प्लेस करके वो क्या करते थे, प्रोडक्ट्स एंड क्वेश्चंस मालूम करते थे लार्ज नंबर्स के। फिर 1642 के अंदर पास्कल कैलकुलेटर के नाम से एक डिवाइस बनाई गई, फ्रेंच मैथमेटिशियन था ब्लेसी पास्कल, उसने ये डिवाइस बनाई 1642 के अंदर, और उसका जो कैलकुलेटर था वो दो काम करता था, प्लस एंड माइनस। फिर जो है उसी का एक स्टूडेंट था पास्कल का, उसका नाम था लेबनीज, पूरा नाम था विलहेम वॉन लेबनीज, जर्मन मैथमेटिशियन था, जर्मनी का रहने वाला था, और उसने अपने जो टीचर है उसके बनाए हुए डिवाइस के अंदर थोड़ी सी चेंजेस की, और उसमें क्या किया, ऐड सब्ट्रैक्ट के साथ मल्टीप्लाई का काम भी करता था। फिर हमने पढ़ा जैकवर्ड्स लूम, 1801 के अंदर डिवाइस बनाई गई थी। जैकवर्ड जो है जोसेफ मैरी जैकवर्ड फ्रेंच वीवर था, कपड़े बुनने वाला था, उसने अपनी मशीनों के अंदर, अपने जो कपड़े बुनने की मशीन थी उसके अंदर वुड का, लकड़ी का एक क्या बनाया, पंच कार्ड यूज किया। तो वो पंच कार्ड का आइडिया जो वहां से लोगों को मिला कि कंप्यूटर के अंदर भी हम कोई ऐसी डिवाइस बनाएं जिसमें हम जिस चीज को पंच करें वही कंप्यूटर के अंदर एंटर हो। फिर दो डिवाइसेस बनाई गई, एक डिफरेंस इंजन के नाम से 1822 और एक एनालिटिकल इंजन 1833 के अंदर। दोनों डिवाइसेस एक ही बंदे ने बनाई है, चार्ल्स बेबेज उसका नाम है। डिफरेंस इंजन जो है उसको उसने बनाने के बाद उस पर 10 साल तक काम करने के बाद छोड़ दिया, और फिर एनालिटिकल इंजन बनाया, और उस एनालिटिकल इंजन जो है उसके अंदर वो तमाम फीचर्स मौजूद थे जो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया, इस बंदे को क्या इसको कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर जो है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, आर यू कैन से फादर ऑफ कंप्यूटर, जिसको नाम दिया गया। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं सेकेंड जो एज है, जो टाइम पीरियड है, वो है हमारे पास है मिडल एज। मिडल एज हमारे पास जो है कब से कब तक है, मिडल एज हमारे पास स्टार्ट होता है 1890 से 1944 का जो टाइम पीरियड है इसको मिडल एज कहा जाता है। मिडल एज के अंदर जो सारी की सारी डिवाइसेस थी वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस थी। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैंने आपको कहा था कुछ ऐसी डिवाइस जिसमें कुछ काम आप करें और कुछ काम जो वो डिवाइस आपके लिए करे, उसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस कहा जाता है। ठीक है,
जो आपका ये है मिडल एज है, इसके अंदर दो डिवाइसेस बनाई गई, एक हमारे पास टेबुलेटर के नाम से और एक मार्क वन के नाम से डिवाइस बनाई गई। टेबुलेटर डिवाइस बनाई गई 1890 के अंदर, टेबुलेटर डिवाइस जो है 1890 के अंदर ये डिवाइस बनाई गई। 1890 के अंदर इस डिवाइस को बनाया गया, बनाने वाला बंदा जो है वो है हरमन हॉलियर। ये तस्वीर आपको, पिक्चर आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं इस बंदे को। अमेरिकन था, स्टेटिस्टिशियन था, स्टेटिस्टिक्स का जो एक्सपर्ट था, हरमन हॉलियर इसका नाम है। इसने डिवेलप किया था क्या, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड टेबुलेटर इन 1890। इसने ये जो मशीन बनाई थी जो आपको यहाँ पर क्लियर जो पिक्चर नजर आ रही है, ये इसकी जो है वो डिवाइस थी जिसको उसने टेबुलेटर का नाम दिया था। ठीक है, याद रखिए ये दुनिया की पहली मशीन थी, डिवाइस थी, जिसमें कंप्यूटर में या ये डिवाइस के अंदर जो है वो डेटा किस फॉर्म में गया था, टेबल फॉर्म में डेटा कंप्यूटर में एंटर होता था, टेबुलर फॉर्म में। टेबल किसे कहते हैं, तो याद रखिए टेबल जो हमारे पास हम जो है एमएस वर्ड और एक्सेल वगैरह इन तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर टेबल को यूज करते हैं। तो टेबल हमारे पास बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये जो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टेबल है, ये हमारे पास वर्टिकल क्या है कॉलम्स हैं, और हॉरिजॉन्टल हमारे पास क्या है रोज है। ये दुनिया की पहली मशीन थी जिसके अंदर डेटा जो वो टेबुलर फॉर्म में एंटर होता था, इसको टेबुलेटिंग या टेबुलर कहा जाता है। हरमन होलियर जो है इसका बनाने वाला था, हरमन होलियर जो है इसने इसको डिवेलप किया था, ये वो उसकी पिक्चर आपको नजर आ रही है, और इसने ये डिवाइस बनाई थी 1890 के अंदर। अब इस डिवाइस के अंदर जो डेटा एंटर होता था वो किसकी मदद से होता था, इस ये जो डिवाइस है वो रीड करती थी क्या, पंच कार्ड को, पंच कार्ड जो है उसके जरिए से इंफॉर्मेशन इसके अंदर एंटर किया जाता था, और ये फिर पंच कार्ड के डेटा को क्या कर देता था, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता था। ठीक है, डिफरेंट कुड बी स्टोर्ड ऑन डिफरेंट स्टैक्स ऑफ कार्ड, इट वॉज यूज इन अमेरिकन सेंसस इन 1890 के अंदर इसको यूज किया गया। अभी बताता हूँ इसका क्या मतलब है, कि इसमें ऐसी डिवाइस है जिसमें डेटा एंटर होता था, किसके अंदर, आपका टेबुलेट, इसमें पंच कार्ड के जरिए से डेटा एंटर होता था, ये इन्फॉर्म रीड करता था, और फिर उस पंच कार्ड के डाटा को ये कन्वर्ट कर देता था किसमें, कार्ड्स में, यानी टेबुलर फॉर्म में आपके पास जो वो डाटा आपके पास आ जाता था, आउटपुट में आपके पास टेबुलर फॉर्म में वो चीज़ आपके पास आ जाती थी। ठीक है, 1890 के अंदर इस डिवाइस को इसने बनाया था, और इस डिवाइस को जो है बनाने वाले जो है इसका फायदा क्या हुआ, इसको यूज किस में किया गया, अमेरिकन के अंदर जो सेंसिस हुआ, सेंसिस कहते हैं मर्दमशुमारी को, काउंटिंग ऑफ पीपल, लोगों को जो है जो काउंट किया जाता है, मर्दमशुमारी जिसे हम कहते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको सेंसिस कहा जाता है। 1890 के अंदर जो सेंसिस हुआ था, उस सेंसिस के अंदर इस डिवाइस को पहली दफा इस्तेमाल किया गया उसके डेटा को प्रोसेस करने के लिए। याद रखिए जो सेंसिस होता है, ये सेंसिस हमारे पास जो है हर 10 साल के बाद होता है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इसका एक वो है फार्मूला है, और हमारे पाकिस्तान के अंदर भी हुआ था। ये बेसिकली 10 ईयर्स के बाद इस वजह से होता है कि 10 साल के बाद जो गवर्नमेंट है वो ये देखना चाहती है कि हमारे जो है पूरे हमारे कंट्री की जो है वो पॉपुलेशन कितनी हो गई है, और उस हिसाब से हमने क्या करना है, जो फ्यूचर के जो प्लान्स हैं हमने उसको उस हिसाब से जो है वो क्या करने हैं, शुरू करने हैं। तो इस वजह से जो है इसको जो है इस सेंसिस को किया जाता है। तो हमारे पास जो है ये सेंसिस का जो कॉन्सेप्ट है, तो सेंसिस बेसिकली बनाया गया था, मैंने जिसको कहा कि 1890 के अंदर जो सेंसिस हुआ था अमेरिका, तो अमेरिका के अंदर जो सेंसिस हुआ था उसका जो वो डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए इस डिवाइस को यूज किया गया। तो अब इसका फायदा क्या हुआ, मैंने जिस तरह आपको कहा कि 10 ईयर्स के बाद, 10 साल के बाद, हर 10 साल के बाद जो वो क्या होता है, सेंसिस होता है, आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 साल के बाद जो सेंसिस हुआ, तो इसका मतलब है कि अमेरिका के अंदर सेंसिस पहले कब हुआ था, 1880 के अंदर, 1880 के अंदर जो वो सेंसिस हुआ था, फिर 1890 के अंदर फिर क्या हुआ, सेंसिस हुआ। तो 1880 और 1890, 10 ईयर्स। अब इस डिवाइस का 1890 के अंदर जो सेंसिस हुआ था, तो उस डेटा को प्रोसेस करने में जितना टाइम लगा, देखिए फॉर एग्जांपल 1880 में जो सेंसिस हुआ था वो इस डिवाइस के बगैर उस डेटा को प्रोसेस किया गया था, और 1890 के अंदर जो सेंसिस हुआ था उसमें इस डिवाइस को यूज किया गया। तो इस अमेरिका उस डिवाइस को यूज करने का मतलब है कि इस डिवाइस को यूज करने से कितना टाइम हुआ, 1/4 टाइम, 1/4 टाइम के अंदर वो डेटा क्या हो गया, प्रोसेस हो गया।
जितना टाइम 1880 के डेटा को प्रोसेस करने में लगा उसका 1/4 हिस्से के अंदर वो डेटा प्रोसेस हो गया। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल ये होता तो नहीं, मैं ऐसे टाइम बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 घंटा लगा था 1880 के डेटा को प्रोसेस करने में, अगर 1 घंटा लगा तो 1890 के डेटा को प्रोसेस करने में सिर्फ 15 मिनट के अंदर वो डेटा क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। 15 मिनट के अंदर वो डेटा क्या हो गया हमारे पास, प्रोसेस हो गया। इसको कहते हैं 1/4 टाइम। इस डिवाइस को यूज करने से हमको फायदा ये हुआ कि 1880 के अंदर जो सेंसिस हुआ था वो मैनुअल तरीके से उन्होंने उसको प्रोसेस किया था, उस पर जो टाइम लगा था उसका 1/4 हिस्सा जो है उस टाइम के अंदर ये डिवाइस जो है वो क्या हो गई, प्रोसेस हो गई। ठीक है, 1/4 टाइम। मैंने एग्जाम्पल दे दी कि फॉर एग्जाम्पल अगर 1 घंटा लगा था 1 घंटा तो नहीं लगा होगा, ज्यादा लगा होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर 1 घंटा टाइम लगा था 1880 के सेंसस में तो 1890 के सेंसस पे सिर्फ 15 मिनट्स के अंदर वो डाटा क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। ठीक है, इससे फायदा ये हुआ कि ये दुनिया की पहली डिवाइस है जिसमें वो टेबुलर फॉर्म में जो है वो डेटा क्या होता है हमारे पास आ जाता था। ठीक है, अब ये स्टैक्स किसे कहते हैं, तो याद रखिए एक हमारे पास स्टैक्स होता है और एक हमारे पास होता है क्यू। ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक स्टैक है और एक हमारे पास है क्यू। ये दो लफ्ज यूज्ड होते हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं कंप्यूटर के अंदर यूज्ड होते हैं। वन इज कॉल्ड स्टैक एंड वन इज कॉल्ड क्यू। लेकिन स्टैक्स और क्यू का जो प्रोसेस करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टैक किसे कहते हैं, चीजों को इकट्ठा करना। देखिए मिसाल के तौर पर मैंने ये मुख्तलिफ चीजों को रख रहा हूँ, ये मिसाल के तौर पर एक बुक है, फिर ये दूसरी बुक है, ये तीसरी बुक है, ठीक है, ये चौथी बुक है, ठीक है, और ये सबसे पहले मैंने इस बुक को रखा, ये नंबर 1 बुक है, ये फिर मेरे पास ये नंबर 2 बुक है, ये फिर मैंने तीसरी बुक उसके रूप पर रखी, फिर मैं चौथी बुक रखी, ये फिर मैंने 5वीं रूप रखी। तो स्टैक को प्रोसेस करने का क्या तरीका होता है, उसे कहते हैं LIFO, 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 लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये मैंने 5 बुक्स रखी हैं फॉर एग्जांपल, एक दूसरे के ऊपर रखी हैं, तो जो सबसे पहली वाली जो सबसे आखिरी बुक है ना, जब मैं इसको हटाऊंगा तो सबसे आखिर में सबसे पहले ये वाली बुक हटेगी, फिर ये वाली बुक हटेगी। तो देखिए ये सबसे लास्ट में आई है तो इसको कहते हैं लास्ट एंड फर्स्ट आउट। सबसे पहले मैंने ये बुक नीचे रखी, फिर उसके ऊपर मैंने दूसरी बुक रखी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। लेकिन जब मैं इसको हटाऊंगा इन बुक्स को तो ये सबसे पहले हटेगी, इसको कहते हैं, इसको स्टैक्स कहा जाता है। और इसका जो प्रोसेस करने का तरीका होता है उसे कहते हैं LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इसको LIFO कहा जाता है। इसके मुकाबले में क्यू है। क्यू किसे कहते हैं, क्यू कतार को कहा जाता है। एक जगह पे बंदे बात एग्जाम्पल 5 बंदे खड़े हैं, ठीक है, एक क्यू बनी हुई है, बैंक के बाहर है कहीं पर, कुछ फॉर्म जमा करा रहे हैं, कोई बिल वगैरह जमा करा रहे हैं, तो ये 5 बंदे क्यू में कतार में खड़े हुए हैं। लेकिन क्यू जो है इसका जो प्रोसेस करने का तरीका होता है वो है FIFO, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहला बंदा पहले आया है वो सबसे पहले जाएगा, ये दम सबसे पहले बंदा आया है ये सबसे पहले इससे निकलेगा, उसके बाद जो दूसरा बंदा आया है वो उसके बाद जो है वो सेकंड नंबर पे, ये तो ये इसका नंबर फिर है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, इसको क्यू कहा जाता है। उसमें जो प्रोसेस किया जाता है उसको FIFO कहा जाता है। तो ये डिफरेंट ये तरीका मैं सब बता दिया, चीज थी कि स्टैक किसे कहते हैं, मुख्तलिफ कार्ड्स को एक जगह इकट्ठा करना, स्टोर करना। लेकिन इस तरह से कि जो सबसे आखिर में कार्ड आएगा वो सबसे पहले जो है वो प्रोसेस होगा, ये सबसे पहले जो है उसको जो है इनपुट किया जाएगा, ये जो भी उसको प्रोसेस करते हैं उसको LIFO कहा जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और फिर हमारे पास जो क्यू है इसके अंदर जो है वो जो तरीका होता है उसमें उसको FIFO कहा जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बताने का मकसद ये था कि हमारे पास ये जो मिडल एज है तो इस मिडल एज के अंदर सबसे पहली जो डिवाइस बनाई गई थी वो टेबुलेटर के नाम से बनाई थी, हरमन होलियर्थ ने इसको बनाया था, और ये पहली डिवाइस थी जिसके अंदर जो है वो टेबुलर फॉर्म में जो है वो डेटा हमारे पास जो है वो आ जाता था और हम उसको यूज कर सकते हैं। और टेबल किसे कहते हैं, व्हिच कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये हमारे पास कॉलम्स हैं, ये दीज आर वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल हमारे पास क्या है, रोज हैं, और इन रोज कॉलम से जो चीज बनती है उसको टेबल कहा जाता है। ठीक हो गया, इसको कहाँ पे यूज किया गया, अमेरिका के अंदर जो सेंसिस हुआ था 1890 के अंदर, सेंसिस के जो डाटा था उसको इस डिवाइस के जरिए से प्रोसेस किया गया था। फायदा क्या हुआ कि कम वक्त में ज्यादा डाटा जो है वो जल्दी प्रोसेस हो गया और उनको जो है एक्यूरेट रिजल्ट भी मिल गया। सेकेंड डिवाइस हमारे पास है, क्लियर हो गया बात, पास मुझे या नहीं, ठीक है, ये पहले हमारे पास डिवाइस थी टेबुलेटर जो मिडल एज के अंदर बनाई गई थी। सेकेंड डिवाइस हमारे पास है वो है Mark 1 के नाम से बनाई गई थी 1937 से 1944 के अंदर, ये डिवाइस को यूज किया गया, बनाया गया।
बनाने वाले बंदे का नाम है हार्वर्ड जी एकियन ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर इसको बनाया गया था और इसको जो है मार्क वन जो है उन्होंने नाम दिया था। इट वॉज मेड इन 1944। अब देखिए ये कंप्यूटर जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, इस तस्वीर आपको नजर आ रही है, इस तस्वीर में देखिए तो ये सारा का सारा ये जो है जो आपको ये एक कंप्यूटर है और ये मार्क वन के नाम से इसको कहा जाता है। अब जारी बात है वो जो हार्वर्ड जी एकियन था वो तो प्रोफेसर था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर था, तो इसको पे जो इसमें जो एक्सपेंस आया, इस पे जो खर्चा आया, इस पे जो कास्ट आई, इस पे जो लागत आई, तो वो क्या किया, IBM वाले ने उसको स्पॉन्सर किया था, उसको जो है बनाने में मदद की थी, फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। IBM stands for International Business Machine, अमेरिका के अंदर एक कंपनी है और इसका भी एक फीचर है, भी आगे हम पढ़ेंगे कि इसने IBM ने कंप्यूटर की फील्ड में क्या कारनामा अंजाम दिया। तो ये IBM वालों ने जो है इसको बनाने में हेल्प की थी हार्वर्ड एकियन को ताकि वो इस डिवाइस को बना सके। इट वॉज द फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, इट कुड मल्टीप्लाई 10 डिजिट्स इन 5 सेकेंड। कंप्यूटर की स्पीड जो है वो काउंट होने लगी, शुरू हो गई थी। ये पहला कंप्यूटर था जो 10 डिजिट्स को 5 सेकंड्स के अंदर क्या कर सकता था, मल्टीप्लाई कर सकता था। हालांकि आजकल के टाइम पीरियड के हिसाब से सेकंड जो है बहुत बड़ी जो है वो यूनिट है। आजकल तो माइक्रो सेकंड्स और नैनो सेकंड्स के अंदर जो वो डेटा होता है, 5 सेकंड तो बहुत ज़्यादा टाइम है। तो ये उस ज़माने के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, एक ऐसा कंप्यूटर बन गया कि जो 10 डिजिट्स को क्या करता है, जो 10 डिजिट्स को जो है वो, तो ये हमारे पास जो है ये इसका एक और क्या था, रिलायबल था। रिलायबल किसे कहते हैं कि लोग इस पे जो है ट्रस्ट कर सकते थे कि वाकई एक मशीन है जो हमें फ़ायदा दे सकती है। और दूसरा क्या था कि साइज़ में ये बहुत बड़ा था। आपको देखिए पिक्चर में इतना बड़ा नज़र आ रहा है, तो रियल जो है आप इसको देखें, फिजिकली जब देखें तो ये कितना बड़ा होगा, ठीक है। इस वजह से भी जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, लेकिन एट दैट वेरी टाइम जो है वो मार्क वन के नाम से कंप्यूटर बनाया गया था। तो ये हमारे पास जो है वो हिस्ट्री में डार्क एजेस जो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो डार्क एजेस जो हैं हमारे पास जो है वो डार्क एजेस हमारे पास जो है डार्क एजेस जो हमारे पास वो हमारे पास जो है उसमें दो डिवाइसेस बनाई गई, एक टेबुलेटर के नाम से डिवाइस बनाई गई 1890 के अंदर और एक मार्क वन के नाम से डिवाइस बनाई गई 1937 के अंदर, ठीक है। ये दो डिवाइसेस जो है इतना ज्यादा काम नहीं हुआ डार्क एजेस के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्या, नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है मिडल एज। अब मिडल एज हमारे पास जो है स्टार्ट होती है कब से, मिडल एज हमारे पास स्टार्ट होती है जो है वो सिंस 1944। सिंस 1944 जो हमारे पास क्या है वो मिडल एज स्टार्ट, मॉडर्न एज स्टार्ट होती है 1944 से आनवर्ड जितना भी टाइम पीरियड है। और इसमें क्या बनाई गई थी, इसमें सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो है वो बनाई गई थी, ठीक है। इसमें कंप्यूटर भी हमारे पास, जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो भी हमारे पास आ जाता है। इसमें हमारे पास जो है तो मॉडर्न एज के अंदर पहली डिवाइस हमारे पास बनाई गई ENIAC के नाम से 1943 से 1946 तक। 1943 से 1946 तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर ये डिवाइस बनाई गई। ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। ये कंप्यूटर बनाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पहली डिवाइस जो बनाई गई थी 1943-1946 के अंदर, उसको ENIAC कहा जाता है। इस ENIAC कंप्यूटर के अंदर जो है वो क्या था, इट वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये फिर आप आगे बताऊंगा मैं आपको, कंप्यूटर दो किस्म के होते हैं, एक जनरल पर्पस है और एक स्पेशल पर्पस है, ठीक है। वो आगे कंप्यूटर की कैटेगरी में आएगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे। तो ये दुनिया का पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। जनरल नॉलेज के लिए याद रखें, कहीं पर किसी जगह एग्जाम दे रहे हैं और आपसे क्वेश्चन आ जाए कि विच कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो उस कंप्यूटर का नाम है ENIAC। ENIAC वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो 1943 से 1946 के टाइम पीरियड के अंदर जो है बनाया गया। बनाने वाले बंदे कौन है, जॉन विलियम मशले एंड जॉन प्रेस्पर एकर्ड जो है 1946 के अंदर इन दो बंदों ने इस कंप्यूटर को बनाया था। जॉन विलियम
मार्शले एंड जॉन एकर्ड ने 1946 के अंदर इसको बनाया था। इट वॉज वेरी हैवी एंड लार्ज इन साइज, साइज के अतबार से भी बड़ा था और जो है वजन के अतबार से भी जो हैवी कंप्यूटर था। इट कंज्यूम 140 किलो वाट्स ऑफ पावर, कंजम्पशन भी ज़्यादा थी, ज़्यादा बिजली भी ज़्यादा जो है वो कंज्यूम करता था, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम कर सकता था, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ लगाई गई थी, वो आगे बताऊँगा, इसके अंदर जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स लगाए गए थे। वैक्यूम ट्यूब्स क्या चीज़ होते हैं अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये वैक्यूम ट्यूब इसके अंदर लगाए गए थे, वैक्यूम ट्यूब्स जो ज़्यादा पावर कंजम्पशन करती है। इट कुड परफॉर्म 5000 एडिशंस पर सेकेंड, ठीक है। अब देखें, अभी हमने पढ़ा मार्क वन, तो मार्क वन जो है उसकी स्पीड क्या थी, मार्क वन की स्पीड ये थी कि वो 10 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर सकता था 5 सेकंड्स के अंदर, 10 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर सकता था 5 सेकंड्स के अंदर, 10 डिजिट्स को 5 सेकंड्स के अंदर क्या कर सकता था, मल्टीप्लाई कर सकता था, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड कम हो गई, स्पीड ज़्यादा हो गई, यूनिट कम हो गया, टाइम कम हो गया, 5 सेकंड से टाइम कितने पे आ गया, 1 सेकंड पे आ गया। एक सेकंड के अंदर ये कंप्यूटर क्या कर सकता था, 5000 नंबरों को क्या कर सकता था, ऐड कर सकता था, 5000 एडिशंस को परफॉर्म कर सकता था एक सेकंड के अंदर। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो कंप्यूटर की स्पीड क्या हो गई, वर्किंग ज़्यादा हो गई। एंड इट यूज डेसिमल नंबर सिस्टम, याद रखें ये इस कंप्यूटर के कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर ये है कि इट वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, नंबर वन। दूसरा इसका फीचर ये है कि ये 5000 एडिशंस पर सेकंड कर सकता था। तीसरा इसका फीचर ये है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करता था। नंबर सिस्टम के बारे में भी आपके कोर्स के अंदर शामिल है, वो हम भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो सारा मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं। तो वो ये आजकल जो कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है कंप्यूटर, लेकिन ये दुनिया का वाहिद और पहला कंप्यूटर था जो डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम करता था। जो हम ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं, हम इंसान जो नंबर सिस्टम कैलकुलेशन करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, 0 to 9 जिसमें डिजिट्स होते हैं। तो ये दुनिया का पहला कंप्यूटर था। ये इसके कुछ फीचर्स हैं, याद रखें, हिस्ट्री में आपने इन्हीं चीज़ों को याद रखना है। 1943 से 1946 के अंदर ये डिवेलप हुआ था। एनियक इसका नाम है, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। पहला कंप्यूटर था जो जनरल पर्पस था। डिज़ाइन बनाने वाले बंदे का नाम भी याद रखें, 1946, हैवी था, लार्ज इन साइज था। ये इसके एक किस्म के डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज में क्या है कि हैवी था, क्या था, साइज में ये बड़ा था और 140 किलो वाट्स ऑफ पावर ये कंज्यूम करता था। ये किस्म के इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि ये दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था, और क्या था, ये 5000 एडिशंस को एक सेकंड के अंदर कर सकता था और डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करता था। क्लियर हो गया बात, बस मुझे यही है, ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडविक। ये हम मॉडर्न एज पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर मॉडर्न एज। एडविक जो है 1946 से 1952 के टाइम पीरियड्स के अंदर इसको डेवलप किया गया, यूज किया गया। एडविक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वाज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजाइन बाय जॉन वॉन न्यूमैन इन 1946 विद अ मेमोरी टू होल्ड बोथ अ स्टोर्ड प्रोग्राम एज वेल एज डेटा। ये आपको जो बंदा नजर आ रहा है, दिस पर्सन इज जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है, दिस पर्सन इज जॉन वॉन न्यूमैन। इसने क्या किया, एक कंप्यूटर बनाया था एडविक के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इसने क्या किया था, पहली दफ़ा कंप्यूटर के अंदर किस चीज़ को किया गया, स्टोर प्रोग्राम का फीचर पहली दफ़ा यूज़ किया गया। स्टोर प्रोग्राम कहते हैं बायोस को, ठीक है, पहली दफ़ा कंप्यूटर के अंदर बायोस का फीचर जो वो यूज़ किया गया था, जिसे हम रैम भी कहते हैं, या तीसरा नाम भी मैंने आपको बताया था फर्मवेयर, इसको फर्मवेयर भी कहा जाता है। फर्स्ट टाइम दिस वॉज यूज इन दिस कंप्यूटर, किस में, एडविक के अंदर। इस वजह से याद रखें, बास बुक्स के अंदर, बहुत कम बुक्स हैं जो मैंने देखी हैं, बहुत कम बुक्स के अंदर इसको ये टाइटल दिया गया है कि दिस जॉन वॉन न्यूमैन, इसको कहा जाता है सेकंड फादर ऑफ कंप्यूटर। दिस पर्सन इज नोन एज सेकंड फादर ऑफ कंप्यूटर, किसकी वजह से, इस फीचर की वजह से, इसने पहली दफ़ा बायोस का फीचर जो है कंप्यूटर के अंदर अपनी डिवाइस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। सो दिस पर्सन इज नोन एज, बहुत कम बुक्स के अंदर, बहुत कम जगहों पर आपको इसको मिलेगा, दिस पर्सन इज नोन एज सेकंड फादर ऑफ कंप्यूटर बिकॉज ऑफ दिस आइडिया कॉन्सेप्ट व्हिच ही यूज्ड इन एडविक।
और वो हमारे पास आइडिया कॉन्सेप्ट क्या था कि स्टोर्ड प्रोग्राम को किस तरह कंप्यूटर में यूज़ करेंगे, यानी बायोस या रैम को किस तरह यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया बात? बस मुझे ये नहीं, ये बंदा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एट जॉन वॉन न्यूमैन, सेकेंड फादर ऑफ कंप्यूटर, बिकॉज ऑफ दिस फीचर स्टोर्ड प्रोग्राम को पहली दफ़ा यूज़ किया गया। यूनिवेक वन, देखिए हर एक कंप्यूटर के कुछ ना कुछ फीचर्स हैं, ये अपने जहन में याद रखने हैं आपने, ठीक है। यूनिवेक वन 1951 के अंदर बना था। यूनिवेक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बिल्ड बाय रेमिंगटन रैंड। ये किसी बंदे ने नहीं बल्कि एक कंपनी ने बनाया, अमेरिका की एक कंपनी है रेमिंगटन रैंड के नाम से, इसने इस कंप्यूटर को बनाया था और ये दुनिया का पहला कंप्यूटर था जो कमर्शियल बेसिस पे यानी बिजनेस के अंदर इसको यूज़ किया गया। ये कंप्यूटर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, दिस वन, ठीक है। तो इस कंप्यूटर का फीचर था कमर्शियली अवेलेबल था, और एडविक का फीचर ये था कि पहली दफ़ा स्टोर प्रोग्राम का फीचर यूज़ किया गया। एनियक का फीचर ये था कि जनरल पर्पस था, 5000 एडिशंस को पर सेकंड कर सकता था और डेसिमल पॉइंट यूज़ करता था, डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करता था। क्लियर हो गया बात? बस मुझे ये नहीं, आज इस मॉडर्न एज को ख़त्म करना है ताकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। फिर है हमारे पास आता है IBM। IBM मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का कहना ये है कि इसने दुनिया का सबसे पहला PC बनाया था 1981 के अंदर। नीचे आपके पास थर्ड्स में आ रहा है, IBM ने सबसे पहले दुनिया का पहला PC बनाया था 1981 के अंदर। IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अर्ली कंप्यूटर डिवेल्प बाय IBM इन 19 डिजाइन टू यूज मैग्नेटिक ड्रम्स। हम आजकल जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, तो हार्ड डिस्क को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है। लेकिन ये पहला कंप्यूटर था हार्ड डिस्क पे, इसके बाद बनी मैग्नेटिक ड्रम्स जो है पहली दफ़ा यूज़ किए गए डेटा क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। डेटा इनपुट वही पंच कार्ड के जरिए से होता था, और मैग्नेटिक टेप भी इसके अंदर यूज होती थी। मैग्नेटिक टेप क्या होती है? ये भी एक स्टोरेज मीडिया है, लेकिन मैग्नेटिक ड्रम जो है वो रैंडम है और मैग्नेटिक टेप जो है वो सिक्वेंशियल है। मैग्नेटिक टेप में डेटा वन आफ्टर अनदर स्टोर होता है, और मैग्नेटिक ड्रम के अंदर डेटा जो है वो रैंडमली स्टोर होता है, ठीक है। आगे चलके मैं किसी जगह स्टोरेज डिवाइसेस में आपको बताऊंगा मैग्नेटिक टेप कहाँ पर यूज होती है। इट कुड परफॉर्म द कैलकुलेशन इन मिली सेकेंड्स। देखिए टाइम और भी कम हो गया, मिली सेकेंड्स के अंदर ये कंप्यूटर परफॉर्म करता था आपके डेटा को। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर था मार्क वन, उसकी स्पीड क्या थी? उसकी स्पीड ये थी कि वो 10 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करता था 5 सेकेंड्स के अंदर। फिर एनियक के क्या हुआ? एनियक की स्पीड कम हो गई, स्पीड ज्यादा हो गई, टाइम कम हो गया, 1 सेकेंड के अंदर वो 5000 एडिशन कर सकता था। और IBM जो ने जो 650 के नाम से कंप्यूटर बनाया, तो उसकी जो स्पीड क्या हो गई, वो मिली सेकेंड्स के अंदर जो डेटा प्रोसेस करने लगा। इट कुड ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट द प्रोग्राम एट स्पेसिफिक पॉइंट इफ एन एरर अकर्ड। अगर कंप्यूटर के अंदर कोई गलती, कोई फॉल्ट आ जाता था, तो ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता था ताकि आपका कंप्यूटर ख़राब ना हो जाए, आपका कंप्यूटर जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर आ जाते हैं हम किसकी तरफ? IBM, एप्पल की तरफ। एप्पल कंप्यूटर, एप्पल जो है ये भी याद रखें, स्टीव जॉब्स का नाम जहाँ पर भी आ जाए, स्टीव जॉब्स, तो ये बंदा मशहूर है किस वजह से? आईफोन या एप्पल कंपनी जो है उसने बनाई है। दो बंदे हैं, स्टीव वॉजनिक है और स्टीव जॉब्स है, लेकिन ये ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है। स्टीव जॉब्स का नाम कहीं पर भी आपके पेपर में, कहीं पर किसी टेस्ट वगैरह में आ जाए कि स्टीव जॉब्स इज फेमस फॉर व्हाट पर्पस, स्टीव जॉब्स इज द ओनर ऑफ एप्पल कंपनी, आईफोन कंपनी का जो ओनर है वो स्टीव जॉब्स है, ठीक है। एप्पल वन के नाम से ये कंप्यूटर बनाया था जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। इवन अगर ये एप्पल वाले खुद भी अब देखेंगे तो ये भी उनको भी वो कहेंगे कि ये किस किस्म का कंप्यूटर है, ठीक है। तो 1977 के अंदर ये बनाया गया था एप्पल वन के नाम से, और बनाने वाले बंदे जो हैं वो स्टीव वॉजनिक हैं और स्टीव जॉब्स हैं। ये पहला कंप्यूटर था जो एप्पल कंपनी ने बनाया था, और पीपल यूज इट इजली, आसानी से इसको यूज़ कर सकते थे। फिर उसके बाद एप्पल टू कंप्यूटर आया। एप्पल टू कंप्यूटर के अंदर जो है वो पहला कंप्यूटर था जिसके साथ कलर डिस्प्ले जो वो यूज़ किया गया फर्स्ट टाइम। पहले से पहले कलर डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट नहीं था, और ये उस ज़माने के अंदर 1977 के अंदर ये अपने ज़माने का बहुत पॉपुलर और मशहूर कंप्यूटर था कि पहली दफ़ा कंप्यूटर के साथ जो वो कलर डिस्प्ले भी यूज हो रहा है। फिर आते हैं IBM PC की तरफ। IBM PC 1981 के अंदर IBM वालों ने जो है वो क्या किया, एक और कंप्यूटर बनाया, और उस कंप्यूटर को जो है उन्होंने एक नाम दिया IBM PC, ठीक है। IBM पर्सनल कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड 1981। स्मॉल एंड फास्ट कंप्यूटर था, साइज में भी छोटा था और कंप्यूटर भी क्या था, फास्ट भी था।
और ये क्या करता था, ऑडियो कैसेट प्लेयर भी इसके साथ अटैच कर सकते थे, टीवी वगैरह भी इसके साथ अटैच कर सकते थे, और इसकी स्पीड जो है वो 4.77 मेगाहर्ट्ज़ इसकी स्पीड थी। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में बताया था कि ICT में बताया था कि कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं, एक कंप्यूटर की क्या होती है, स्पीड होती है, और एक कंप्यूटर की क्या होती है, स्टोरेज होता है। एक स्पीड होता है और एक हमारे पास क्या है, स्टोरेज है, ठीक है। स्पीड किसकी होती है, प्रोसेसर की होती है, और स्टोरेज किसकी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की होती है। प्राइमरी मेमोरी हमारे पास हार्ड डिस्क है, सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास क्या है, प्राइमरी मेमोरी सॉरी हमारे पास रैम है, रोम है, और सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास क्या है, हार्ड डिस्क है। इसकी स्पीड तो ये आप पहला ये जो IBM वालों ने जो कंप्यूटर बनाया था जो ज़माने में 1981 के अंदर, तो उसके अंदर जो प्रोसेसर लगा था वो इंटेल कंपनी का। तो इंटेल याद रखें, कहीं पे भी अगर इंटेल का नाम आ जाए तो इंटेल कंपनी पॉपुलर है, मशहूर है, किस वजह से, माइक्रो प्रोसेसर बनाने की वजह से, ठीक है। और इंटेल कंपनी का जो प्रोसेसर 1981 के अंदर यूज हुआ था, उस प्रोसेसर का मॉडल था 8088 और उसकी स्पीड थी 4.7 मेगाहर्ट्ज़ उसकी स्पीड थी, ठीक है। और इसमें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज होता था, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको यूज किया गया था, और बिजनेस पर्सनल कंप्यूटर हर बंदा जो है इसको बिजनेस के अंदर आसानी से यूज होता था। DOS स्टैंड्स फॉर